लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। यूपी के 11 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, सरयू और गंगा नदी का जल स्तर बढ़ा, दीवार गिरने से एक की मौत, चार घायल, बारिश के कारण सरयू नदी का जल स्तर बढ़ गया है। लखनऊ, राजधानी लखनऊ समेत यूपी के कई जिलों में गुरुवार सुबह से जोरदार बारिश हो रही है। बारिश के कारण जहां लोगों को राहत मिली है, वहीं सड़कों में पानी भरने से कई लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जौनपुर जिले के मुंगराबाद शाहपुर थाना क्षेत्र के सुरुखनपुर गांव में तेज बारिश के कारण एक कच्चे मकान की दीवार गिरने से एक 43 वर्षीय महिला की मौत हो गई है, जबकि शामली में मकान गिरने से चार लोग घायल हो गए हैं। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जारी है। मौसम विभाग के अनुसार यूपी के 11 जिलों में आने वाले गुरुवार और शुक्रवार को भारी बारिश हो सकती है। फैजाबाद, बस्ती, गोरखपुर, संतकबीर नगर, इलाहाबाद, संतकबीरदास नगर, आगरा, मथुरा, बुलंदशहर और फर्रुखाबाद के DM को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। सरयू और चनलब नदी का जल स्तर बढ़ा, अयोध्या में जोरदार बारिश के कारण सरयू नदी का जल स्तर बढ़ गया है। बताया जा रहा है कि नदी के जल स्तर में 1 सेमी प्रति घंटे की रफ्तार से वृद्धि हो रही है। शारदा व गिरिजा बैराज से पानी छोड़े जाने के कारण सरयू का उफान तेज हो गया है। हालांकि सरयू अभी लाल निशान से 38 सेमी दूर है। वहीं चंबल नदी में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। चंबल के पिनाहट घाट पर जल स्तर 121 मीटर पहुंच गया है। वहीं कोटा बैराज से 49,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने की सूचना है। चंबल किनारे 8 चौकियां स्थापित और 41 गांव में अलर्ट के दिए आदेश दिए गए हैं। वाराणसी में गंगा नदी का जल स्तर बढ़ाने से कई घाटों के किनारे बने मंदिर डूब गए हैं। मथुरा में पिछले 4 घंटे से लगातार हो रही बारिश के कारण कई मुख्य मार्ग में पानी भर गया है। इन जिलों में हो रही है भारी बारिश। लखनऊ, वाराणसी, इटावा, फैजाबाद, मथुरा, आगरा, गाजियाबाद, नोएडा, औरैया, शामली और कानपुर के साथ कई जिलों में जोरदार बारिश के कारण पानी लोगों के घरों में घुस गया है। वहीं सड़कें जलमग्न हो गई हैं, कई मकान क्षतिग्रस्त, भारी बारिश के कारण कई जिलों में मकान गिर गए हैं। मथुरा के रिफाइनरी थाना क्षेत्र में एक मकान गिर गया है, जबकि वृंदावन कोतवाली क्षेत्र में इस्कॉन मंदिर में गौशाला की दीवार गिर गई है। शामली जिले के कैराना कोतवाली क्षेत्र के गांव तीतरवाड़ा में नींव में पानी भरने से मकान गिर गया है, जिसमें 4 लोग दब गए, 4 को अस्पताल में भर्ती किया गया है।